लांगा अरदास। उन्नीस सौ संताली दी वंड वेले सिखां दी कुल आबादी दे 30% नूं हिजरत करनी पई सी। पाकिस्तान च कोई 500 इतिहासक ते सभ्याचारक स्थान रह गए। ननकाणा साहब रह गया, पंजा साहब रह गया, किहड़े किहड़े स्थान गिणे जाण। पर करतारपुर साहब जिथे गुरु नानक समाए सी वह तो बिल्कुल सरहद ते ही है, बार्डर तो सिर्फ 4.5 किलोमीटर हटवा सरहद तो दिसदा भी है। करतारपुर डेरा बाबा नानक दे इलाके का नक्शा थोड़े सामने है जी। ए लाल लीक जो देख रहे हो तुसी, ये बार्डर है। आ उरले पासे हिंदुस्तान है, लकीर तो परले पासे पाकिस्तान है। यह डेरा बाबा नानक कस्बा है, इस पासे गुरदासपुर पै जांदा है। यह जिहड़ा नीला पॉइंट तुसी देख रहे हो ये दरबार साहब गुरद्वारा गुरु साहब की तीसरी समाध ते इत्थे जे करके चोला साहब गुरद्वारा है। इस दरबार साहब तो फिर बार्डर जिहड़ा पूरा 1 किलोमीटर है जी, इत्थों लै के इत्थों तक आ जिहड़ा नीला तारा तुसी देखते हो बार्डर है। इत्थे खलो के अरदास की जाती है, इहनूं असीं कोरीडोर पॉइंट कहिंदे आ। ते इत्थों लै के करतारपुर साहब तक फिर लांघा बनना जी। यह तो बार्डर तुहानूं मैं जिवें दस्सिया वी बार्डर है, लाल लीक जिहड़ी है आ नीला जड़ा लीक जी आ रही है ये रावी दरिया है। यानी कोरीडोर पॉइंट तो बार्डर तो करतारपुर साहब, यह करतारपुर साहब है, ये 4.5 किलोमीटर है। तो करतारपुर साहब तो अगे परे सड़क पैंदी है, वो सड़क जड़ी नारोवाल तो आउंदी है। यह सड़क नारोवाल तो आउंदी है तो अगे शकड़गल नूं जांदी है। इत्थे बकायदा रेलवे लाइन भी हैगी है। इत्थे जसड़ कस्बा है, इस पासे नारोवाल कस्बा, तो अगे होर अगे इस पासे जाके तो लाहौर है जी। सो यह सड़क ते जो तुसी निशान दे रहे देख रहे हो, ये नारोवाल तो शकड़गल नूं जिहड़ी सड़क जांदी है उहदे ते निशान दित्ता जिथों करतारपुर साहब नूं रस्ता मुड़दा है। करतारपुर साहब जिथे गुरु नानक पातशाह ज्योति जोत समाए, जिथे लगभग 18 साल रहे, जिथे खेती कीती, गृहस्थ नभाई, तो सिखी का जिहड़ा तम तीन थम्मां सिद्धांत है, नाम जपना, किरत करनी, तो वंड छकना, उस सिद्धांत नूं करतारपुर विखे गुरु नानक पातशाह ने आप जी के दस्या है। गुरु पातशाह दे वाहे हुए खूह दे तुसी दर्शन कर रहे हो। गुरु नानक पातशाह ने करतारपुर नूं सिक्खी दी डिमास्टेशन वास्ते रख्या, सिखां दा इह हैडक्वार्टर बना दित्ता सी। ते बहुत सारी बाणी इत्थे रची, जपजी साहिब जो गुरमति दा धुरा है जिहदा पाठ हर गुरसिख वास्ते सवेरे जरूरी है, वह भी करतारपुर विखे रचिया गया। करतारपुर विखे गुरु पातशाह ने जातां पातां दे भेदभाव, ऊच नीच दा दे भेदभाव खत्म करके सारिआं नूं इको पंगत विच बिठा के लंगर दी प्रथा शुरू कीती। इत्थे फिर ज्योति जोत समाए ने, जदों ज्योति जोत समाए ते मुसलमानां ते हिंदुआं विच झगड़ा उत्पन्न हो गया, आया ए मुसलमान है कि हिंदू है। मुसलमानां ने कहा कि असीं लाश नूं दफनाउणा, हिंदुआं ने कहा असीं संस्कार करना, साड़ना। तो कहा जाता भी गुरु साहब की जिहड़ी मृतक शरीर सी वह गायब हो गया, फिर ये की देखते ने वो चादर जिहड़ी जां खेस जिहड़ा उपर ले आया सी वो बचिया सी। ते दोनों पार्टियां ने फिर उस चादर नूं अद्धा अद्धा कर लिया, मुसलमानां ने वह चादर दफना ली, हिंदुआं ने साड़ ली। सो करतारपुर विखे गुरु नानक पातशाह दी तुसी मुसलमाना कबर देखते हो, ए कबर दे दर्शन कर रहे हो। ते अंदर फिर समाध है जिथे गुरु के प्यारे फुल चढ़ाते ने। ते बड़ी दिलचस्प गल है गुरु नानक पातशाह दी एक समाध हिंदुस्तान च, यानी रावी दरिया दे उरले पासे, वो इस तरह है कि कहा जाता है कि गुरु साहब दे ज्योति जोत समाउण तो 9 साल बाद रावी दरिया च हड़ आ गया।
जिन्हें समाध ते कबर दे उत्ते मार कीती ते गुरु पातशाह दे जिहड़े औलाद सी बेदी साहिबजादे उन्होंने वो गागर रावी तो उरले पासे लिया दफनाई जिते रंधावे दे खूह ते उन्हों सरजी वाला खूह करके भी जाने जाता है उत्थे लिया दफनाई जिथे दरबार साहब गुरद्वारा अज मौजूद है जिथे महाराजा रणजीत सिंह ने सोने की पालकी चाढ़ी सी। सो करतारपुर विखे गुरु पातशाह 18 साल रहे भाई लहणे नू गुरियाई दे के गुरु अंगद बना दिता बड़े कौतक किए करतारपुर क्योंकि हैडक्वाटर बन गया सी सिक्खी का। हैरानी की गल है कि गुरु पातशाह के तीन स्थान दुनिया का अलौकिक इंसान जिदे जिदी एक कबर आ एक मड़ी करतारपुर विखे पाकिस्तान है एक मड़ी जी है उरले पासे इंडिया च डेरा बाबा नानक विच है। सो इस प्रकार ये तीन मुख कौमों का देश है इस कौमों ने मुसलमान ने हिंदू ने ते सिख ने ते इत्थे तिन्हां दी प्रतिनिधता हुंदी है तिन्हां दी नुमाइंदगी हुंदी है। गुरद्वारा दरबार साहब के नाल ही चढ़ते पहाड़ की गुठ विच गुरद्वारा थड़ा साहब है ये वो स्थान है जिथे पंचम पातशाह आए सी भाई धर्मचंद बेदी दी मकान दे मौके इत्थे बह के उन्होंने कीर्तन किया ते इत्थे ही एक सिख ने गुरु साहब नूं दस्या कि किवें लोग गुरबाणी विच मिलावट कर रहे ने। सो गुरु साहब ने इत्थे ही तय किया कि गुरबाणी की बीड़ बन दी जाए गुरु ग्रंथ साहब तैयार किया जाए। नानक विखे ही गुरु नानक पातशाह का पहनया होया पवित्र चोला साहब है जिदे दर्शन हर साल 4 मार्च नूं खुलते हैं। दुनिया का अलौकिक स्थान जो दो मुल्कां दे विच खिल रहा पिया है विच ठाठा मारदा रावी दरिया है एक बरसाती नाला भी विचों नहीं लंघदा वेई जो शगड़गल वाले पासे आउंदी है। रावी दरिया दे उत्ते बड़ा मजबूत पुल हुंदा सी किसे वेले 1927 च अंग्रेज़ां ने बनाया सी लोहे का पुल थल्यों की सड़क सी ते उपरों रेल जांदी सी पर 1965 की लड़ाई वेले 1965 ते 1971 की भारत पाक जंग मौके ये पुल जिहड़ा भारतीय फौज ने बंबार्डमेंट करके ढा दिता। सो तुसी देखते हो इस वेले उस पुल दे सिर थम्मे ही जिहड़े ने रावी दे विच खड़े ने वो जिहड़ा उहदा लोहा सी वो पाकिस्तान सरकार जिहड़ी उत्थों चुक के लै गई। दूसरे पासे जिहड़ी रेलवे लाइन नारोवाल तो दरबार साहब करतारपुर शकरगढ़ ते चक अमरू तक जांदी सी वो पाकिस्तान की सरकार ने 1992 तो लैके बंद कर दिती है। तो आ दरबार साहब करतारपुर साहब के स्टेशन की हालत देखो किवें वीरान होया पिया विच आ कंडियाली तार वाला बार्डर जिहदे विच करंट भी चलता है तो जे कोई पुल भुलेखे भी बार्डर पार करे तो शू करके गोली आ वजदी है हिक विच आ देखो पाकिस्तानों एक शदाई ने बार्डर पार कर दिता तो BSF वाले ढा ढेरी कर दिता तो फख्र महसूस कर रहे ने। इन्ना इन्नी सख्ताई होने के बावजूद भी क्योंकि मुल्क विच रिश्वतखोरी है तो वड्डी मात्रा विच नशे जड़े ने इत्थों दी पार हो रहे ने समगलिंग हो रही है। मेरा दासरे BS कुराए का पिंड बिल्कुल करतारपुर साहब के चरणा च ही है। गुरु पातशाह ने कृपा की कि 1994 जदों मैं जिथे नाल पाकिस्तान की गुरधामा की यात्रा पर गया तो उत्थे विसाखी वाले दिन दासरे नूं पाकिस्तान के मनाटी मिनिस्टर नाल मिलन का मौका गुरु नानक पातशाह ने फराहम किया। उस वेले फिर मैं उस वजीर नूं बेनती की कि देखो तुसी एडी दूर तक संतां नूं लिआउंदे हो क्यों नहीं कृपा करते करतारपुर साहब भी खोल दिओ करतारपुर साहब तो बिल्कुल बार्डर के नेड़े ही है। तो वो पाकिस्तानी वजीर अगों कहन लगा कहिंदा सिखो सरदारों मंगो तो सही पाकिस्तान तुहानूं ना करदा। वो दिन जाए उस तो बाद फिर मैं अपने कौम के वड्डे वड्डे लीडर
ਤੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਤਾਂ ਮੰਗੀਏ, ਰਸਤਾ ਮੰਗੀਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਟਰਕਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਪਰ ਬਾਂਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਨ 2001 ਤੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇੜੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ। 140 ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਬੜੀ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਮਨਾਂ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਏ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਵਡਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਫਰਵਾਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੌੜ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲਣਾ। ਅਰਦਾਸ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲਾਂਘੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਦਾਸਰਾ BS ਗੁਰਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਤਾ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸੰਗਤ ਲਾਂਘਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਚੇ ਅਤੇ ਵਿਛੜੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਈ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਸੰਨ 2014 ਵਿੱਚ ਕੋਈ 25 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੇਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ July 2014 ਵਿੱਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਜੰਤ ਪਾਂਡਾ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸੰਨ 2009 ਵਿੱਚ UNO ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਜਾਨ ਮੈਕਡੋਨਲ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਨ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ BJP ਨੇ ਹੀ ਪੁੱਟੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਬਾਬੂਆਂ ਦੇ ਕਹਿ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
पाकिस्तान नाल नवें सिरे तो संबंध घड़नगे ते करतारपुर साहब दे लांघा खुलण दी भी पूरी उम्मीद है क्योंकि प्रधानमंत्री ने पिछे कैलाश मानसरोवर मंदिर नूं खलाउण वास्ते वड्डे उपराले कीते ने। सो दोहां मुल्कां दे विच पुल करतारपुर लांघा जावे खुल